चलिए दोस्तों, आज बताता हूँ कि कैसे आप एक्सेल में ही सॉफ्टवेयर की तरह ही स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी कोई सभी जॉब आपका काम है तो आप एक्सेल से रिलेटेड कोई भी काम तो आप स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं बिल्कुल सॉफ्टवेयर की तरह। ये फॉर्मेट मैंने एक्सेल में बनाया है, लेकिन लग रहा है आपको सॉफ्टवेयर जहाँ ऐसे क्लिक करेंगे तो वहाँ से चले जाएगा और इसको होम क्लिक वापस आना चाहते हैं तो बैक होम में करेंगे तो चले। ये होम पेज है, इसका होम पेज में आप जैसे स्टॉक समरी में चले जाएंगे तो स्टॉक समरी यहाँ पर स्टॉक समरी देखिए, और यहाँ फिर से वापस आएंगे स्टॉक मेंटेन तो ये स्टॉक मेंटेन ये हुआ। तो इस तरह आप कोई भी लिए बैलेंस शीट में जाएंगे तो बैलेंस शीट के लिए यहाँ पर एड करना पड़ेगा मेरे को, तो मैं जस्ट समझाने के लिए तीन कॉलम बनाया। अब ये चीज़ें मैं कैसे बनाया इसको चलिए बता देता हूँ। जैसे आप कोई भी स्टॉक समरी क्या है, स्टॉक समरी क्या होता है, आप पूरा स्टॉक का अपने समरी देख सकते हैं और स्टॉक मेंटेन आप कितना सेल किए कितना परचेज उसको चढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहां पर स्टॉक समरी में चढ़ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको बनाया कैसे, इसके जान कैसे फॉर्मूला लगाना है आपको। सबसे पहले आपको क्या है, कोई भी स्टॉक सेल और परचेज की एंट्री स्टॉक मेंटेन में करना पड़ेगा। स्टॉक मेंटेन में जैसे मैंने यहाँ पर यहाँ पर से कोई भी डाटा दे दी, यहाँ पर ये देखिए, अब गो होम में जाके स्टॉक समरी में जाऊंगा। ये देखिए, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसमें फार्मूला क्या लगाया हूँ ये बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या करूँगा, इक्वल टू दबाऊँगा SUM सम इफ करके यहाँ पर से दो बार क्लिक करूँगा। अब क्या है, यहाँ पर एफएक्स का सिंबल है, यहाँ एफएक्स का सिंबल को यहाँ पर से दबाऊँगा। अब क्या है, यहाँ पर रेंज दिखा है, क्राइटेरिया सम रेंज, तो रेंज में क्या डालूँगा मैं, यहाँ पर रेंज में डाल दूँगा। आपको क्या डालना है, रेंज में स्टॉक जहाँ पर से आप मेंटेन कर रहे थे, यहाँ पर मैं अभी यहाँ का यूज़ कर लिया, स्टॉक मेंटेन में जाएंगे और इस वाले को पूरा रेंज डाल देंगे। आपका जो भी माल आइटम है, आइटम को आप रेंज मान लीजिए, जिसमें आप आइटम को रेंज और क्राइटेरिया क्या देंगे, जो सामने कॉलम है जिसमें इसमें फील होगा वो वाला आपका रेंज हो जाएगा। और यहाँ पर सम रेंज, आप उस रेंज को सम कहाँ से करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से स्टॉक से करना चाहता हूँ। चलिए दिखा देता हूँ स्टॉक का, अभी मैं परचेस का चढ़ा रहा हूँ तो परचेस वाले पूरा कॉलम को ऐसे ले लूँगा जितना लंबा खींचना है आपको, उसके बाद ओके ओके दबाने के बाद ये देखिए यहाँ 12 आ गया, एच एफ डिलक्स 12। अब देख लेते हैं, चलिए सन्ना अभी सन्ना का कर रहे हैं तो सन्ना वाले में तो 5 स्टॉक 6 कितना 11 और एच एफ डिलक्स कहीं और एक होगा 12, तो यहाँ पर पूरा टोटल 12 चढ़ गया। देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे तक प्रेस करके खींच देंगे। ये देखिए अब आपको यहाँ पर दिखा रहा है 12 0, पैशन प्रो 0 नहीं है तो स्प्लेंडर प्लस 3 होना चाहिए, तो देख लेते हैं स्प्लेंडर 3 है हाँ यहाँ पर। तो इस तरह से आपका ऑटोमेटिकली, अब मैं यहाँ पर से एक एच एफ डिलक्स को हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं स्प्लेंडर प्लस लिख देता हूँ। स्प्लेंडर प्लस लिखने के बाद आपके पास कितना बढ़ा, एक एच एफ डिलक्स 5 और एक 6, तो यहाँ पर अब ऑटोमेटिकली 6 आ गए होंगे, ये देखिए 6। तो इसी तरह आपको सेल का भी करना है, इक्वल टू सम इफ दो बार टैप करेंगे, उसके बाद आपको एफएक्स को दबा देना है ऊपर में, एफएक्स यहाँ पर रेंज ले लेना है, सेम वही करना है आपको, स्टॉक में जाना है, रेंज ले लेना है, रेंज क्राइटेरिया आपका सामने वाला का, और यहाँ पर अब सम रेंज। अब आपको सम रेंज कहाँ से करना है, सम रेंज जो आप सेल वाले से, अभी आप सेल का चढ़ा रहे हैं तो सेल वाले से यहाँ से पूरा सेल करना, पहले परचेस के किए तो परचेस का सेम है, उसके बाद ओके कर दूंगा। ये देखिए अब आपका सेल आइटम देख लेते हैं, एच एफ डिलक्स 4 भी का है तो यहाँ पर देख लेते हैं 2 और 2 4, तो इस तरह। अब इसको भी ऊपर से नीचे खींच देते हैं यहाँ पर ये देखिए, अब आपका टोटल जैसे कोई भी एक एक्सट्रीम देख लेते हैं, 2 है क्या ऊपर, यहाँ पर से देख लेते हैं एक्सट्रीम, हाँ 2 है, यहाँ पर मैं अगर 1 कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर चढ़ जाएगा आपका 1। देखिए अब क्लोजिंग स्टॉक क्या करना है, अब क्लोजिंग स्टॉक के लिए आपका जो परचेज किए हैं उसमें से आप कितना बेचे उससे माइनस कर देंगे, इक्वल टू दबा देंगे, ऊपर से नीचे खींच देंगे इसको, यहाँ पर से देखिए 6 में 4 गया 2, 3 में 0 गया 3, तो इस तरह से आपका मेंटेन हो गया। अब आप चाहते हैं इस चीज़ों को, इस चीज़ में अब हमारा कोई काम नहीं, इसमें हम फॉर्मूला लगा छोड़ दिया, अब हमारा जो काम रहेगा स्टॉक मेंटेन में रहेगा, जो भी घटाना बढ़ाना, जैसे मैं इस एच एफ डिलक्स को 111 कर दूंगा। अब देखते हैं वहाँ पर, देखिए 111 क्लोजिंग स्टॉक ही है, तो हमको अब इसका काम नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, लॉक कर देंगे, मतलब कोई छेड़छाड़ मत करें। तो हम रिव्यू में जाएंगे, प्रोटेक्टेड सीट में जाएंगे। अब यहाँ पर आपका 2 क्लिक होगा, ये दोनों क्लिक को हटा दीजिए,
दोनों क्लिक के यहाँ पर 123 डाल दीजिए और यहाँ पर से ओके कर दीजिए। फिर से 123 पासवर्ड डाल दिए। ये देखिए अब कहीं पर आप क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक नहीं हो रहा है। देखिए मैं कहीं पर भी क्लिक कर रहा हूँ, किसी भी जगह क्लिक नहीं हो रहा है। देखिए कहीं भी पूरा सेल लॉक हो गया, कोई आपका सेल को डिलीट नहीं कर सकता। गो होम में जाएंगे, ये देखिए अभी मैं सन्ना का बनाया, ये देखिए समरी और स्टॉक। अब मैं सारे स्टॉक एक बार फिर से, हमारा अब क्या है समरी में कोई काम नहीं है, ये कहीं क्लिक होगा ही नहीं, लॉक हो गया पूरा सेल। ये देखिए मैं सभी जगह लॉक कर रहा हूँ, कहीं क्लिक नहीं हो रहा है। अगर आप इसी में जैसे लॉक खोलते हैं 123 इंटर, अब देखिए यहाँ पर क्लिक हो रहा है कहीं पर भी, आप डिलीट कर सकते हैं। जैसे आप लॉक करेंगे, अगर इसको लगाना चाहते हैं आप कहीं पर क्लिक होगा तो यहाँ पर 123, अब देखते हैं क्या इफेक्ट होता है 123। ये देखिए लॉक तो होगा लेकिन आप डिलीट नहीं कर सकते। जैसे सपोज़ मैं इसको डिलीट करूँगा, ये देखिए इस तरह आ जाएगा, डिलीट नहीं होगा, वो लॉक हो गया। तो ये हो गया, बैक चले जाते हैं समरी, ये देखिए मेंटेन। अब हमको इस वाले में आपको क्या मेंटेन करना है, हमको मेंटेन ये पूरा ओपन रखना है हमको। तो हमको क्या कर लेना है इसमें, इसको भी लॉक कर देते हैं 123 123। लेकिन हम क्या करते हैं इसको एडिट का ऑप्शन कर देते हैं। तो सबसे पहले हमको एडिट कर दे, क्योंकि हमको इसको चढ़ाना है पर डे का सेल और परचेज चढ़ाना है। तो हमको इसको क्या करें, अलाउ में जाएंगे, अलाउ में न्यू कर देंगे, टाइटल नेम, रेंज सेलेक्ट कर लेंगे हम कहाँ से कहाँ कर लेंगे, यहाँ से पूरा हम नीचे तक कर लेंगे क्योंकि हमको डेली का रूटीन चढ़ाना है। पासवर्ड दे देंगे 123, ओके 123, ओके अप्लाई, ओके। अब देखिए हम ऊपर चले जाते हैं यहाँ पर से, अब मैं कोई भी को चलिए अब क्या करेंगे, प्रोटेक्टेड सीट कर देंगे 123, ओके 123। अभी हमारा सीट प्रोटेक्टेड हो गया। अलाउ रेंज वो है जहाँ पर अलाउ, मैं अलाउ में क्यों डाला हूँ, अलाउ में इसलिए डाला क्योंकि हम कुछ चीज़ों को एडिट करते हैं तो हमसे पासवर्ड पूछे, तो हम क्या, हमको तो ये सब एडिट करना ही है। तो मैं जैसे अब एडिट इसको करने जाऊँगा तो हमको पासवर्ड पूछेगा तभी एडिट कर सकते हैं, वरना हम नहीं कर सकते। यहाँ पर चलिए मैं यहाँ से डिलीट करना चाहता हूँ, डिलीट नहीं हो रहा है, यहाँ से कुछ भी डिलीट नहीं हो पा रहा है। तो अब हमको क्या है, स्टॉक चढ़ाना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर से स्टॉक चढ़ाने के लिए यहाँ पर खींचेंगे, नहीं कुछ होगा, देखिए कुछ नहीं हो रहा है, लॉक हो गया। अब हमको इसको एडिट करना है तो क्या करेंगे, 123 करके हम करेंगे और खोल देंगे, उसके बाद हम देखिए अब माइस्टो हम एडिट कर सकते हैं एक्सट्रीम। ये देखिए इस तरह से आप एडिट माइस्टो कर देते हैं, माइस्टो आप कुछ भी चीज़ को एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर नॉ कर सकते हैं कुछ भी, ये एडिट है, लॉक कर देंगे। ये देखिए इस तरह से आप पूरा एक्सेल शीट में, अब मैं बता देता हूँ आपको कि इस चीज़ों को मैं कैसे बनाया हूँ। हाइपर, इसमें यहाँ पर मैं हाइपर लिंक लगाया हूँ, ये दोनों में हाइपर लिंक, यहाँ भी मैं हाइपर लिंक लगाया हूँ, इसको कैसे बनाया हूँ देख लेता हूँ। अभी आपको क्या करना है, इस पूरा को अभी मैं कहीं पर क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक हो रहा है, इसको भी आप लॉक करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर से दोनों ये जो दो टिक लगा होगा उसको तो हटा लीजिए आप, और यहाँ पर से 123 डाल के इसको भी लॉक कर देंगे 123 करके, सब एक एक। अब देखिए कहीं पर क्लिक नहीं हो रहा, सिर्फ आपको यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा। तो ये चीज़ें मैं बनाया कैसे हूँ, इसको मैं अभी यहाँ पर से बना लिया हूँ, अब यहाँ पर आपको बता देता हूँ बनाया कैसे हूँ इसको। सबसे पहले मैं क्या किया हूँ, पूरा इस कॉलम को यहाँ पर जाके कलर ले लिया हूँ, ये देखिए इस वाला कलर को ले लिया हूँ। उसके बाद मैं क्या किया हूँ, यहाँ पर इंसर्ट में क्या है, शेप में गया, शेप में जाने के बाद मैं ये वाला ले लिया, इस तरह से ले लिया, इसका कलर भी चेंज कर दिया हूँ, यहाँ से देख सकते हैं आप कौन सा कलर में रखना चाहते हैं, आप इस तरह भी रख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर राइट, ये देखिए इस तरह बन गया। अब यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट क्या लिखेंगे, सन्ना स्टॉक लिख दें, ये देखिए। अब इसको मैं बोल्ड में कर देता हूँ, यहाँ पर जाके बोल्ड थोड़ा सा बढ़ा दूँगा, ये देखिए इस तरह। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर
हाइपर लिंक लगाना है यहाँ पर से, हाइपर लिंक। यहाँ हाइपर लिंक कैसे लगाऊंगा मैं, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट में कहाँ पर लगाना है हमको, लोदाम। यहाँ देखिए मैं क्या करना, सन्ना लगाया तो अभी सन्ना वाले में क्लिक कर दूंगा, यहाँ पर सन्ना वाले के। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं यहाँ पर एक नया टैब ले लूँगा, उसका नाम रख दूँगा साहू ट्यूबर। ये देखिए यहाँ पर सॉरी मेरे को क्या करना है, यहाँ पर एक नया टैब और ले लिया और यहाँ पर नाम दे दिया साहू ट्यूबर। ये देखिए अब मेरे को इस सीट में जाके मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो डायरेक्ट वो दूसरे इस वाले सेल में आ जाए मेरा। तो यहाँ पर मैं गया, हाइपर लिंक लगाया, किस में, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, इसी डॉक्यूमेंट में। अगर दूसरे डॉक्यूमेंट में करना है तो यहाँ पर करना है, बाहर दूसरे एक्सेल सीट और बनाना है तो मैं सन्ना स्टॉक में क्लिक किया, नहीं सॉरी साहू ट्यूबर में क्लिक करूँगा। यहाँ पर से ये थे साहू ट्यूबर, एक अभी नया टैब बनाया था, यहाँ पर क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा। अब यहाँ पर करूँगा तो देखिए साहू ट्यूबर में आ गया। अब यहाँ पर मेरे को यहाँ पर एक बैक होम करके एक और पेज बनाना है, तो इंसर्ट में जाऊँगा, शेप में जाऊँगा, यहाँ पर मैं बना देता हूँ इस वाला, ये वाला लोगो बना दूंगा। इसमें राइट क्लिक करूँगा, टेक्स्ट लिखूँगा, गो होम लिख दूँगा, गो होम, सेम चीज़ें हैं। इसका क्या करूँगा, बोल्ड करूँगा, बड़ा कर दूँगा। उसके बाद अब इसमें राइट क्लिक करके यहाँ पर हाइपर लिंक होगा, हाइपर लिंक को क्लिक करूँगा। अब मैं होम पेज में, मैं जो एक्सेल सीट अपने पास सीट में इसमें बनाया था इसमें चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ क्लिक करूँगा तो इसमें आ गया, यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ करूँगा तो बैक वापस, इसमें करूँगा तो फिर, मतलब आप इस तरह किसी भी सीट में ऑटोमेटिकली जा सकते हैं। जैसे जिस जगह का जाना है जिस जगह उसी जगह आप कर्सर को रख के, तो मैं यहाँ पर किया था तो यहाँ पर आया, आप जहाँ करना चाहते हैं वहाँ पर आ सकता है। तो ये तो हुआ दोस्तों मेरा मैं ये बनाया हूँ वो। तो स्पेशली आप सॉफ्टवेयर की तरह ही आप एक्सेल में डाटा मेंटेन कर सकते हैं। ये देखिए आप सभी चीज़ों को ऐसे बना सकते हैं, बैलेंस शीट बना सकते हैं, कुछ और चीज़। तो देखिए स्टॉक मेंटेन किया ऑलरेडी ऑटोमेटिक, इसको हमको एडिट करना है। अब आप चाहते हैं कि होम पेज को पूरा लॉक करना है, ये देखिए लॉक तो हो ही गया है कहीं पर भी, कहीं पर ये देखिए सिर्फ ये सब क्लिक होगा, बाकी कहीं पर ये देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ नहीं हो रहा है। ये देखिए बार बार क्लिक करने और यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक होके गो होम। आप हज़ारों फाइल कर सकते हैं गो होम, गो मतलब बहुत ही इजी रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। देखिए मैं यहाँ पर फार्मूला क्या लगा रहा हूँ, यहाँ पर आप स्टॉक मेंटेन करते जाएंगे तो आप स्टॉक मेंटेन करते जाएंगे समरी रिकॉर्ड में जाते जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली बैलेंस शीट दिखाते जाएगा। इसको आपको क्या करना है, इसको तो प्रोटेक्टेड कर देंगे फिर से 1 2 3। यहाँ से भी अब यहाँ से हम प्रोटेक्टेड इसको करना चाहते हैं तो दोनों सिंबल को हटा देंगे, क्योंकि उससे क्या है आपका सेल में कहीं क्लिक नहीं हो पाएगा। और इसको कर देंगे तो क्लिक होगा लेकिन डिलीट नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते हैं। 1 2 3 ये देखिए कहीं पर क्लिक नहीं हो रहा मेरा, कहीं पर भी क्लिक कर रहा हूँ अभी लेकिन आपको लग नहीं रहा क्लिक कर रहे हैं। यहाँ से गो होम मेंटेन। तो इस तरह आप भी एक्सेल शीट बनाएंगे। इसका लेटेस्ट स्टॉक मेंटेन करने के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक डाल दूंगा, आप वहां से और देख सकते हैं इजीली, क्योंकि मैं अभी दूसरे पेज में बनाया हूं तो आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं एक ही पेज में बना के इसी को एक ही पेज में बना के आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप एक्सेल शीट डाउनलोड भी कर सकते हैं और वहां से लिंक वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा। तो चलिए दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ऐसे वीडियो मैं बनाते रहूँगा ताकि आपका हेल्पफुल रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।